जितनी भी यहाँ गुड़गांव की दिल्ली की संगत है उनको प्रणाम। मेरा नाम रेणु आंटी है। मैं गुरुजी को 99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई उसमें मेरा बेटा घायल हो गया, पूरे जो छर्रे थे गोल वो पूरे कान की तरफ से निकल के और सिर में अटक गए। तो मैं वहाँ उधमपुर यहाँ से पहुँची तो डॉक्टर ने बताया कि ये लड़का कोमा में चला गया है। 3 महीने तक वो कोमा में रहा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या गुजरी। वहाँ शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाती थी, मेरे हस्बैंड दिया लेके बैठे रहते थे हनुमान जी का। किसी तरह 3 महीने बाद होश आया तो डॉक्टर ने कहा हमें नहीं मालूम है कि इनकी ये आँख से देख पाएगा या पैर से चल पाएगा। जब उसको आँख खोली तो वो पैर से चल सकता था, खड़ा हुआ, हमने चलना सिखाया। इसके बाद उसको होश आ गया। फिर मैं शॉर्ट में कह रही हूँ, उसको RR अस्पताल में यहाँ दिल्ली भेज दिया गया जिसमें वो सेमी अनकॉन्शियस था पर छोटे बच्चे की तरह था। उसका सारा काम मैं और मेरे 6 महीने पहले जो शादी हुई थी बहू, हम लोग नहलाते थे और जो छोटे बच्चे को जो कुछ काम करना होता है मैं ये बताना नहीं चाहती, वो आज आर्मी में काम कर रहा है गुरुजी की कृपा से। तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ थी तो मैं बड़ी परेशान थी, तो मुझे गिल अंकल थे, मेजर गिल अंकल, उन्होंने आके, वो हमारे बड़े फ्रेंड थे, उनकी वाइफ का भी कोई कैंसर वगैरह ठीक किया था, तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी के पास चलो। तो मैं तो शिव भक्त हूँ शुरू से, मेरी फैमिली, तो मैंने कहा मैं तो चलूँगी, मुझे तो जो ठीक करेगा मेरे बेटे को। मैं बेटे को लेके गई, बेटे को जब लेके गई तो मैंने कुछ नहीं बताया, गिल अंकल ने ही बताया कि ऐसे ऐसे इसकी गोली लगी थी, इसका हेड इंजरी है और इसको कोई होश नहीं है, बच्चा बन गया है। तो इसके बाद मैंने गुरुजी के पैरों में, चरणों में पैर रख दिए, हाथ जोड़े तो कहते बच्चे को ला। बच्चे को मैंने बोला गुरुजी से ले तो उसको थोड़ी मालूम है कि हाथ ऐसे करते हैं, तो मैंने हाथ ऐसे करवाया, उन्होंने लड्डू दिया इसको खिला दे, उसको खिला दिया। इसके बाद मैं बैठी रही, लंगर प्रसाद किया, बच्चे ने भी किया। फिर मैं आर्मी अस्पताल में उसको छोड़ना था तो गुरुजी ने कहा कल इसको मत लाना, तुम ऐसे ऐसे करके एक तांबे का बर्तन ले आना ढक्कन वाला और कल आ जाना। मैं दूसरे दिन गई और मैं तांबे का बर्तन वो ले गई गुरुजी के पास। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी क्या है, जो भी था गिल ने बताया कि ये बच्चा उठ नहीं पा रहा है, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। इसके बाद देख सकता था आँखों से, चल सकता था पर पकड़ पकड़ के चल। इसके बाद मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बताया, फूंक मारी और वो बर्तन मेरे को दे दिया। मेरी बहू को बोला कि इसको रोज़ मांझ के रात को रखो, सारा रात भर दिन भर पानी पिएगा और ये ठीक होता जाएगा। मैं आती रही गुरुजी के थर्सडे पे एम्पायर स्टेट, मैं बैठी रहती थी। मैंने कभी गुरुजी को नहीं ये बोला कि वो ठीक हो रहा है या नहीं है। एक दिन उन्होंने पूछा कि और बेटा द की हाल है, तो मैंने कहा गुरुजी धीरे धीरे पानी से उसकी याददाश्त आ रही है, वो नहीं पहचानता था हमको, कुछ नहीं मालूम, ABCD ये सब कुछ। हमें ज़्यादा बताना नहीं चाहती क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे पता चलेगा तो लोग कहेंगे आर्मी में कि क्या ये बात कह रही हैं, इसलिए ये संगत मैंने नहीं की थी। इसके बाद वो ठीक होते चले आ गया, सब कुछ पहचानने लगा, थोड़ा कुछ जहाँ बोलते थे ये क्या लिखा है पढ़ने लगा। वो मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ, ये भी एक सीक्रेट है। इसके बाद फिर मेरे को गुरुजी के पास गई तो मैंने, गुरुजी ने मुझे कहा कि रेणु आंटी ये कार्ड ले और कर्नल को लेके आना, फैमिली को तेरे लिए है। हमने कहा गुरुजी का कोई संगत होगा तो हम चले गए। तो किसी करोड़ों पतों की शादी थी किसी फार्म हाउस में जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ढूंढते ढूंढते हम गए और गुरुजी के पास पहुँचे तो ये दिन बोले अरे आ गई रेणु आंटी अशोका होटल की मालिक। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो आपकी भक्त हूँ, मैं कहाँ मालिक। कहते वो कर्नल अंकल तो आज मैंने पजामे और कुर्ते में और चप्पल में बुलाया, उसकी बड़ी ईगो है, तेरे में ईगो नहीं है। तो मैंने कहा चप्पल कुर्ते में, मैंने कहा हाँ मैंने तो गुरुजी उनको बोला था कि पैंट शर्ट पहन लो हमेशा जाते हो। कहते नहीं गुरुजी क्या मैं आज कुर्ते पजामे में जाऊँगा और चप्पल में। वो चप्पल के संग ही उन्होंने पूरी शादी में खाना खाया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर गुरुजी ने मुझे बुला के कहा कि ये बंदे को बोलो कि वो गाने जाने बोल रहे हैं तो वहाँ कारपेट लगा दिया, उनकी कुर्सी बाहर लगा दी। और पंजाब से आई हुई थी, बहुत बड़ी शादी थी पार्टी। जैसे ही गुरुजी वहाँ बैठे मैं तो लेफ्ट में जाके मैंने पैर पकड़ लिए,
मैंने कहा आज मैंने गुरुजी के पैर दबाने, मुझे तो कुछ होश नहीं रहा, मैं पैर दबाती रही जब तक तो सॉफ्ट थे। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मैं किसी पत्थर को दबा रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखे, हंस के बोला कि क्यों रेनू आंटी, थक गई? मैंने कहा नहीं तो गुरु जी, मैं तो नहीं थकी। फिर थोड़ी देर में फिर सॉफ्ट हो गए और मैं दबाती रही, मैं थकी भी थी पर मैंने नहीं बोला गुरु जी को। थोड़ी देर में गुरु जी ने कहा की चांदी है तू? अच्छा, मैं पंजाबी जानती हूँ, मैं पढ़ी हूँ पर इतना वो नहीं है, बोल नहीं पाती। तो उन्होंने बोला कि की चांदी? मैंने कहा मैं तो गुरु जी ये चाहती हूँ कि बेटा ठीक हो रहा है। मेरा हस्बैंड नहीं चाहता, मेरा हस्बैंड भी आर्मी में है, मेरा दूसरा बेटा आया हुआ है वो भी आर्मी में, मेरी बेटी के हस्बैंड भी एयरफोर्स में शौर्य चक्र हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बिस्तर में ना लेटा रहे, मतलब ये ऐसा ना रहे कि किसी पर आश्रित रहे, ये नौकरी कर ले। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे जा तेरा कल्याण किता। मैंने कहा क्या गुरु जी? अरे कल्याण किता, बच्चा यूनिफॉर्म पहनेगा। मैंने कहा गुरु जी नवम्बर 21 तारीख की बात थी शादी और दिसंबर था। मैं गुरुजी से सितंबर 99 से मिली थी, जब से आज बच्चा आया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा तू जा यूनिफॉर्म पहनेगा। इसके बाद वो सडनली जल्दी जल्दी ठीक होते रहा और ठीक 27 दिसंबर को एक चिट्ठी आती है आर्मी से कि कैप्टन सो एंड सो हैज़ टू रिपोर्ट टू द आर्मी 61 कैवलरी विच इज़ हेयर, अदरवाइज इज़ ए आर्मड कोर ऑफिसर। उसकी रेजिमेंट पंजाब में थी पटियाला में। फिर मैं गई 27 तारीख को, चिट्ठी आई तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने बोला, ये तो चिट्ठी आ गई, अब क्या करूँ? यूनिफॉर्म ढूंढी, क्योंकि जो यूनिफॉर्म उसकी पड़ी थी वो तो खूनों से लथपथ थी, उसके अंदर सारे ब्लडी ब्लड खून था। कोशिश करी छुटाने की पर नहीं छुटे, इतनी ब्लीडिंग उसको हुई थी, वो तो मरा हुआ बिल्कुल आया था। जो भगवान की कृपा है कि वो जो डॉक्टर ने ऑपरेशन जल्दी कर दिया, तो बच्चा कोमा में गया, फिर निकल के भी आया। तो फिर मैंने गुरुजी को मैंने कहा तो गुरुजी, पहले तो मैंने कहा गुरुजी किसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तो नहीं जानते कहीं, तो यूनिफॉर्म पहनवा दी। फिर मैंने कहा ना गुरुजी तो शिवजी के भक्त हैं, मेरे को तो चक्कर देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है शिवजी बैठे हैं। इसी वक्त मैंने गुरुजी के पास गई थर्सडे को, मैंने कहा गुरुजी यूनिफॉर्म पहन ली। कहते मुझे तो मालूम था चंगा किता, उसका ध्यान रखना। हमें वहाँ प्रसाद वगैरह खाया और फिर मैं घर आ गई। फिर मेरे हस्बैंड लग गए, उसको रोज़ ले जाते थे और वहाँ सो जाता था, क्योंकि दवाइयाँ इतनी, उसके छर्रे अभी भी पड़े हुए हैं अंदर, तो उसकी दवाई खाता था तो सो जाता था। उन्होंने कहा आप साइन करवा और उसको घर वापस ले जाओ, उसको घर लाते रहे। इसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास गई, फिर मैंने सब बताया, मैं जाती रही। फिर बीच में मैं पटियाला चली गई, उसको ध्यान रखना था, मालिश करनी थी, उसको चलाना था, जो कुछ मालूम था वो मुझे ही मालूम था और किसी को नहीं मालूम था कि ये क्या क्या हो रहा है इसके साथ। और बड़े आर्मी ने हमको बड़ा साथ दिया और वो यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से, और आज वो फुल कर्नल भी बन गया है पहले ही चांस में। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि फिर उसके आप देखो कि कहाँ वो चल नहीं सकता था, याददाश्त नहीं, बीमार, सिर में दर्द, ये तकलीफ वो तकलीफ, यूनिफॉर्म में पहन के अपनी रेजिमेंट खूब अच्छी तरह चला। और आज उसके एक 14 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है। गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास बहुत सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे को क्या से क्या नहीं किया मेरे परिवार के लिए। मैं उनका शुक्राना करने आई हूँ और आपको ये बताने आई हूँ। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था कि वो आर्मी में है, बहुत सी चीज़ें सीक्रेट नहीं बताते, जो कि मैंने अपने गुरुजी को मैंने पहले ही 2000 में ही बता दिया था, 2000 की जनवरी में ही बता दिया था। और मैं इतनी मैं दुखी हुई जब गुरुजी ने समाधि ली, मैं बहुत मिस करती हूँ गुरुजी को, बहुत मिस करती हूँ गुरुजी आपको, मैं फिर से आ जाओ गुरुजी प्लीज़, सबका भला करो, जितनी संगत आई है बहुत प्यार से सबकी तमन्नाएं पूरी करो, सबके बच्चों को अच्छा